वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे ट्विटर कैंपेनिंग ट्वीट फॉर एयरफोर्ट के रिगार्डिंग। जो है आपको एक ट्विटर अभियान आज होना है 31 मार्च 2021 को, और उसके लिए हैशटैग भी बनाया हुआ है जो आप देख सकते हैं इस तरह से आपके स्क्रीन पर है, एयरपोर्ट हेल्थ इंस्पेक्टर। ठीक है, तो सारे कैंडिडेट को ये जरूरी इन्फॉर्म करना चाहूँगा और सारे कैंडिडेट एक दूसरे से भी इन्फॉर्म करेंगे, शेयर करेंगे कि जैसे कि आपको मालूम है वैकेंसी का डिटेल्स मैं दिखाता हूँ पहले, तो आप समझ जाएंगे कि मेरा इशारा किधर है। तो देखिए यहाँ पर जो एक नोटिफिकेशन आया हुआ था भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, और ये 1 मार्च को निकला हुआ था। इसमें जो सब्जेक्ट था कि फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ हेल्थ इंस्पेक्टर ऑन डिप्टेशन बेसिस इन द पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लैंड बॉर्डर क्वारंटीन सेंटर्स, ठीक है, अंडर डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो इसमें जो है डिप्टेशन में उन्हीं को रख रहा है जो ऑलरेडी जो है जॉब में है। ठीक है, तो हमारा मानना है कि जो कैंडिडेट जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनको मौका इसमें मिलना चाहिए और फ्रेश वैकेंसी इसमें निकलनी चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग को लेकर हम लोग जो है आज एक ट्विटर अभियान का शुरुआत करेंगे, और उसमें चाहेंगे कि जितने भी कैंडिडेट हैं जो ऑल ओवर इंडिया के हेल्थ इंस्पेक्टर, वो सारे कैंडिडेट जो इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। किसी एक व्यक्ति का ये अभियान नहीं है, ठीक है, किसी एक व्यक्ति का अभियान नहीं है, पूरे ये सभी लोगों का अभियान है और इसमें सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, तो स्पेशली जो है कोई एक व्यक्ति को इसका बेनिफिट नहीं मिलने जा रहा है, सारे कैंडिडेट के लिए। अगर ओपन एग्जाम होगा तो सारे कैंडिडेट एग्जाम में बैठेंगे, ऑल ओवर इंडिया के 73 सीट है और इसमें जो है एक कंपटीशन का माहौल क्रिएट होगा, जो कैंडिडेट में अच्छा क्वालिटी होगा, जिसमें अच्छा नॉलेज होगा, जिस कैंडिडेट में निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन होगा। तो मौका तो सबको मिलेगा, और यहाँ पर जिस तरह से वैकेंसी निकाली गई है और 4200 ग्रेड पे और अदर फ्रेशर कैंडिडेट को मौका नहीं दिया जा रहा है उसके खिलाफ में, ठीक है, सारे कैंडिडेट को जो है इस ट्यूटर अभियान में शामिल होना चाहिए। तो सबसे पहले करना क्या होगा आपको मैं बता दूँ, तो आप तो समझ गए, मैटर समझ गए कि किस के रिगार्डिंग जो है हम लोग ट्यूटर अभियान कर रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपको ट्यूटर डाउनलोड करना होगा, 1 MB का ट्यूटर जो है ट्यूटर लाइट डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और ट्यूटर को डाउनलोड करने के बाद जो है सारे कैंडिडेट इस तरह से देखिए ट्यूटर पर आपको लिखने का मौका आएगा और इस तरह से बनेगा स्पेस टाइप का। तो यहाँ पर जो है आप हैशटैग लगाकर एयरपोर्ट में ए जो है कैपिटल रहेगा, देख लीजिए सटा कर मतलब एक साथ लिखना है, एयरपोर्ट हेल्थ में एच कैपिटल रहेगा और इंस्पेक्टर में आई कैपिटल रहेगा, ये सारे जो टैग है, ठीक है, इसी टैग को आप यूज कर बस ये नहीं कि मैं ट्वीट करूँगा तो मेरा रिट्वीट कर दीजिएगा तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा। आप खुद का भी ये टैग कभी भी आप याद रखिएगा कि कभी भी जो ट्रेंड करता है ट्विटर पर वो टैग ट्रेंड करता है, ठीक है, टैग को ट्रेंड कराना है। टैग ट्रेंड करेगा तो गवर्नमेंट की नज़र में जाएगी कि हाँ भाई इतने बेरोजगार कैंडिडेट हैं तो इनको जो है मौका मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, किसी तरह से जो है भड़काऊपन जो है हमारे चैनल के माध्यम से नहीं किया जाता है, बस एक सारे जो फ्रेशर कैंडिडेट है जिनको मौका मिलना चाहिए उसके रिगार्डिंग हम लोग जो है ट्विटर अभियान कर रहे हैं ना। मुझे गवर्नमेंट से कोई शिकवा शिकायत है ना किसी कैंडिडेट से शिकवा शिकायत है, ठीक है, ना किसी यूट्यूबर चैनल से मुझे कोई शिकवा शिकायत है, ठीक है। मकसद यही है, पर्पस यही है कि जो कैंडिडेट हैं जिनके पास डिग्री होल्डर हैं, फ्रेशर कैंडिडेट हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। और उनको मौका कब मिलेगा, जब सारे कैंडिडेट जो है एकजुट होंगे, ठीक है। आप जब तक एकजुट नहीं होइएगा आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो है देखिए टैग महत्वपूर्ण होता है, याद रखिएगा टैग महत्वपूर्ण होता है। तो निश्चित रूप से आपको स्क्रीन पर यह दिख भी रहा होगा, इस टैग को आप यूज कीजिए, ठीक है, इस टैग को आप लोग यूज कर लीजिए। इस टैग को यूज करने के बाद जो है आप आज का टाइमिंग दिया हुआ 3 से 4 PM का, आज 3 बजे से लेकर 4 बजे शाम तक जो है लगातार 1 घंटे में जो भी आपको करना है आप ट्वीट करना है ट्वीट कीजिए, ठीक है। जो भी आपको मैटर हो आप अपने से मैटर लिख सकते हैं कि हाँ रिगार्डिंग जो है फ्रेशर कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए, इसमें जो है जो सर्विस में उनको मौका दिया जा रहा है उसके जगह पर जो है फ्रेशर कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए, ये सारे ओपन एग्जाम इसका होना चाहिए, ठीक है। तो जो ट्रेंड जो है आपका
टैग करेगा, तो टैग निश्चित रूप से आपके स्क्रीन पर है, एयरपोर्ट हेल्थ इंस्पेक्टर, ठीक है। और इसके बाद जो है टैग लगाने के बाद जो है आप किसी को भी टैग कर सकते, जैसे मान लीजिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी तक अपनी बात को पहुंचाना है तो एट द रेट लिख कर नरेंद्र मोदी मैंने लिखा, तो देखिए उनको ऑफिशियल जो है आ गया। इसी तरह से जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं उनको न्यूज़ चैनल है उसको जो है आप टैग कर सकते हैं, तो सारे को टैग करके जो है आप इस तरह से ट्विटर अभियान में आज शामिल हो। तो फिर से मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा स्क्रीन पर, तो देखिए यहाँ पर जो है ट्विटर कैंपेनिंग ट्वीट फॉर एयरपोर्ट हेल्थ इंस्पेक्टर, और 31/3/2021 3 PM से 4 PM का टाइमिंग रखा हुआ है। ट्विटर अभियान यूज टैग, कौन सा टैग यूज करना है, तो देखिए हैशटैग लगाकर जो है सटा सटा कर एक साथ लिखना है एयरपोर्ट हेल्थ इंस्पेक्टर, ठीक है। ट्विटर पर खोल कर इस तरह से आप खुलेंगे तो इस तरह से दिखेगा, और ट्वीट करना है, नीचे ऑप्शन आता है ट्वीट का, ठीक है। यहाँ पर नीचे कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पर ऊपर में ही ट्वीट का दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर ट्वीट कर सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे कैंडिडेट एक दूसरे से शेयर कर लीजिए, जो लगातार इस तरह से अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, और इसमें जो है हेल्थ इंस्पेक्टर डिप्टेशन बेसिस पे जो होना है, पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लैंड बॉर्डर क्वारंटीन सेंटर, उसके रिगार्डिंग जो है तो ये ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए सभी कैंडिडेट इस कैंपेनिंग में शामिल हो, थैंक यू वेरी मच।